मुरादाबाद के पिलारी कस्बे में आयोजित भारतीय किसान यूनियन असली द्वारा बुलाए गए किसान महापंचायत में पहुंची मेधा पाटकर ने मनसही टूलकिट प्रकरण और किसान कानून पर जमकर हमला बोला। इस महापंचायत में अन्य भी कई किसान नेता मंच पर मौजूद थे। एक सप्ताह में आज दूसरी बार बिलारी में किसान महापंचायत बुलाई गई थी। आज भारतीय किसान यूनियन असली गुट के आह्वान पर किसान कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, जिन्हें संबोधित करने के लिए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, पर्यावरणविद मेधा पाटकर, चटूली सहित कई किसान नेता मौजूद थे। मेधा पाटकर ने मन से बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और किसान कानून वापस लेने की बात जोर शोर से उठाई। उन्होंने मन से ही आरएसएस को भी टारगेट किया, ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को संघ के लोग बताकर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ नेशनल शूटर रही पूनम पंडित भी किसानों के मंच पर पहुंची और अपनी बात रखी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि आगामी ग्राम प्रधानी चुनाव के लिए अगर कोई भी व्यक्ति गांव में एंट्री करेगा तो उसे लिखकर देना होगा कि वे किसान कानून के खिलाफ है, वरना उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। टूल किट को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, गिरफ्तारियां हो रही है लगातार। आप क्या मानती हैं टूल किट को लेकर? टूल किट पर क्या मानती हैं आप? टूल किट क्या होता है? टूल्स तो बहुत अलग अलग होते हैं। हम लोग जो परंपरा से आंदोलन जीवी है उनके टूल्स अलग होते हैं, आज के युवा लोगों के टूल्स अलग होते हैं। अब जब कॉरपोरेट्स ऐसे टूल्स जो कि मार्केट और पूंजी के आधार पर चलते हैं वो अपनाते हैं, जबकि सांप्रदायिक ताकतें घुसपैठियों को अंदर छोड़कर अलग प्रकार की रणनीति में अलग प्रकार के हथियार, अस्त्र और शस्त्र अपनाते हैं, तो क्या युवाओं को आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग करना मंजूर नहीं है? क्या उन्हें ये अधिकार नहीं है? और वो भी जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाने वाले दिशा रवि जैसे युवा जो और कुछ नहीं चाहते हैं, कोई ग्रेटा ग्रेट बन जाती है तो क्या भारत की एक युवती बहुत अहम नहीं बन सकती है, प्रबोधन नहीं कर सकती, नई पीढ़ी का पर्यावरण पर विश्वास नहीं बढ़ा सकती है? और पर्यावरण में किसान की भूमि, किसान का जल, किसान का जंगल, किसी आदिवासी का हो, दलित का हो या अन्य समाज का हो, वो भी शामिल है। तो हमारा और युवाओं का एक समन्वय बनता है। हम धरती पर लड़ते हैं और वो अपने अस्त्र शस्त्र नहीं, अस्त्र तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई गैर नहीं होते हुए ये उन अस्त्रों से डरते हैं और खुद शस्त्र चलाते हैं, इसीलिए वो टूल किट वालों पर एक प्रकार से हल्ला कर रहे हैं, इसका हम धिक्कार करते हैं। एक सवाल हो रहा है, PFI की गिरफ्तारी है, PFI का ग्रुप है उसको गिरफ्तार हुई, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जुड़ा था वो, फंडिंग की बात है, किस तरह देखते हैं इसको? ऐसा है कि अब मोदी सरकार समझ गई है कि किसान आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रहा, केवल दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला है उन्हीं का नहीं रहा, वो कन्याकुमारी से आसाम तक पहुंच गया है। और ये भी जानते हैं कि अब श्रमजीवी भी एकत्रित हो रहे हैं, किसान और मजदूरों के बीच में जो दूरी है वो भी मिटती जा रही है, और किसान मजदूर और श्रमिक कारखाने के इनके बीच की दूरी भी मिट रही है, और बुद्धिजीवी और श्रमजीवी भी कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहे हैं। ऐसा हुआ था आज़ादी आंदोलन में, आज वही समय है। हम तो चाहते हैं कि सिपाही पुलिस उनको भी किसान के बेटे बेटी होते हुए इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए, और इसीलिए मोदी सरकार डर रही है। मेधा पाटकर ने आर संघ पर हमला किया है मन से, इसे क्या माने? मैंने उन पर हमला थोड़ा किया है, हम पर तो हम जहां शाहजहांपुर पे थे और हम पर FIR दाखिल किया गया जिसमें डकैती का, 307 का और 120B का भी आरोप लगाया हुआ है, तो हम सब लोग जानते हैं कि हम अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नुमाइंदे खोज कर निकाले गए जिनमें से किसी विधायक ने, क्योंकि RSS भारतीय जनता पार्टी का विंग है, ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 स्टार लगाकर
जबकि सिंघू बॉर्डर पर प्रवेश किया, तो फिर कहीं ना कहीं आरएसएस इसका साथ दे रहा है, किसान विरोध का साथ दे रहा है, और इसीलिए वो एक परिवार के लोगों को हमको भी कहीं ना कहीं चिन्हित करना पड़ रहा है। हम उनको हुतात्मा नहीं बनाना चाहते हैं हमला करते हुए, पर हम निर्देशित करना चाहते हैं, क्योंकि वो जाति और मजहब के नाम पर अगर किसानों और मजदूरों में भी भेदभाव निर्माण करते हैं, मॉब लिंचिंग तक जाते हैं, तब कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, और किसानों के बारे में ये विरोध की आवाज़ उठा रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। आंदोलन कहाँ खड़ा है आज की तारीख में? कहाँ खड़ा आंदोलन? आंदोलन किस स्टेज पे है अभी? आंदोलन एक सस्ता स्टेज में है, और जितने भी सरकार खेती आई पूरा देश फैलता जा रहा है। ये आंदोलन नहीं है, अब जन आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन 135 करोड़ लोगों के लिए आंदोलन है। अब जन आंदोलन बन चुका भारत का, और बहुत टॉप पर जा रहा है, और सरकार जितना इसको थोड़ी कोशिश करी उतना मजबूत चला है। आप देख रहे हो आज क्या हालत है, 3 दिन के कॉल पर आप देख रहे, भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पूरे देश में पूरा जन आंदोलन भावना पैदा हुई। दो लाइन पे क्यों चल रहा है? राकेश टिकैत अलग चलते हैं, नरेश टिकैत अलग चलते हैं, आप अलग चलते हैं। एक कहते हैं चक्का जाम हो गए, कहें नहीं चक्का जाम नहीं करेंगे, उन्होंने आंदोलन वापस लिया। आपने ये चक्का जाम का निर्णय वापस लिया, गलत था, इसको बात हो चुकी है, उसके एहसास करा दिया, गलत निर्णय था। और अब ये तय हुआ है, आगे हरपाल जी क्या कहते हैं कोई मायने नहीं है। अब संयुक्त मोर्चा क्या तय करेगा उस पर बात होगी, जो कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा तय करेगा वही लागू होगा। रेल का चक्का जाम का मोर्चा तय किया, लागू होगा, और जो भी निर्णय होगा मोर्चा करेगा। एक व्यक्ति कोई नहीं करेगा, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, ये तय होगा। हरपाल जी, कहीं किसानों के दम पर अपोजिशन 2022 की तैयारी में तो नहीं है? कांग्रेस मैदान में उतरी है यूपी जी, 2022 के तैयारी में तो नहीं कांग्रेस किसानों के ऊपर? हमारा कांग्रेस या सपा बसपा को मतलब नहीं है, हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। आज सरकार मान लिया वाकई हो गई, हमारा कोई की पार्टी का मैटर नहीं किसी का, हमको दुआई बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारे मंत्री को पार्टी नहीं चाहता है। ये किसानों का आंदोलन है, और किसान क्या करेंगे, उन्हें क्या करना है, हमें कोई पार्टी मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी खुद उतरी है यूपी में पिछले, ये उसका दायित्व कर रही है। जब सरकार नहीं मानेगी विपक्ष का काम क्या है? जब सरकार नहीं मानेगी विपक्ष का काम क्या? विपक्ष का काम आवे उठा रहा है, उठानी चाहिए होने वाले, ये क्या बड़ी बात है भाई। अब बोलो क्या मंच पे जगह देंगे? है जी, मंच पे जगह देगा? मंच पर हमने आज तक किसी की जगह नहीं दी है, और ना हम देंगे कभी। ना झंडा इस्तेमाल होगा, ना मैं इस्तेमाल होगा उनका, वो चला अपने हिसाब से आंदोलन, उनका राइट बनता है विपक्ष में। कोई मंच नहीं, किसान बन के वो आ सकते हैं, किसान आ सकते हैं, किसान बन के हाँ बैठ के बात, किसान में कोई भी आ सकते। अब तो अगर भाजपा वाले किसान बन के हर बार है, तो भाजपा वाले बैठे किसान बन के क्या दिक्कत है? कोई हाँ किसान किसान नहीं है, वो किसी पार्टी का नहीं है, सब आए कौन मन करता है। रेल लोकल आंदोलन क्या रहेगा? रेल लोकल आंदोलन 18 तारीख, रेल लोकल आंदोलन होगा कल, बहुत बढ़िया होगा, 3 घंटे होगा, पूरे देश में होगा, और पहली बार इतिहास काम हुआ पूरे देश का, काम करेगा, होगा रेल हुआ होगा, और लड़ेंगे जीतेंगे। आप समझ लो फासिस्टवादी सोच के खिलाफ पहली बार देश का किसान जीतेगा पूरा, और इनका हिंदू मुस्लिम का जो इंजेक्शन है ना, वो बाहर निकल बाहर किया जाएगा, नहीं चलेगा। एक लास्ट सवाल है मेरा जी, ये जो 26 जनवरी वाला जो केस हुआ है, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं टूल किट के नाम से, कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं, दिशा रवि दिशा, हमने कह दिया है अगर कोई किसान गिरफ्तार किया, अगर नाजायज गिरफ्तार किया तो हम उसको रिहा कराएंगे, वही गिरफ्तारी किसान की हुई अगर नाजायज हुई हम उसको लड़ेंगे, और कोई दोषी है तो हम उसको बात नहीं करेंगे। किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है टूल किट के नाम पर, और गिरफ्तारियाँ होनी है इसमें। ये तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, हमारा मुकदमे हुआ, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ, उसका मुकदम डरते नहीं मुकदमा से, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ, और जो होगा तो हम उसको विरोध करेंगे। क्या दिशा रवि जैसे लोगों को सपोर्ट करती है आपके साथ? जी दिशा रवि जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं क्या आप लोग? किसका दिशा रवि गिरफ्तारी हो रही है? दिशा रवि बिल्कुल, ये तो बड़ी गलत बात है, जो अभी ट्वीट करता हमारे आंदोलन से गिरफ्तार कर लेते हैं, ये क्या बात हो गई? क्या ये देश के लोग नहीं है? वो इनकी एक आदत बन गई है, जो भी बोलेगा किसान का वो तो गिरफ्तार कर लो। ये कितने गिरफ्तार कर ले आपके, इनके सब टोटके फेल होने हैं, ये बौखला गए हैं, पागल आ गए हैं, अब समझ में नहीं करें क्या, इनकी स्थिति खराब हो चुकी है, और इन्हें एहसास हो जाएगा इस बार। पहली बार सींग गलत लगा दिया इन्होंने, गलत लंबा डायर कर दिया। देखो रेला बेची कोई नहीं बोला, हवाई जहाज बेचे कोई नहीं बोला, बैंक बेची कोई नहीं बोला, अब सोचती खेती बेचो, गलत डायल कर दिया, आपका हिसाब कर लेंगे पूरा, हम जो करना सब हिसाब कर लेंगे। जिंदा आपको, थैंक यू।
बहुत अच्छी बात है, मान लग रहा है किसान तो अपनी बात रखने लग रहे, किसानों की बात हम रख रहे हैं। तो ये जन आंदोलन है और हर जगह इस बात को पता चलना चाहिए ना कि भाई हम किस लिए आ रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद करूंगी बिलारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान को समर्थन कर रहे हैं, आंदोलन को कर रहे हैं, बार बार मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करूंगी। पूनम पंडित की तरफ से सभी को राम राम मेरे भाइयों को। भाई मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं किसी यूनियन से नहीं हूँ और जब मैं आंदोलन में आई थी जब भी किसी यूनियन से नहीं थी। आप मेरे से सवाल यह करिए, दूसरे